Kids, how are you all? I hope you all are fine and well at your home. Today we are going to do your school cinema book story number 2 करेंगे बेटा आज हम. So open page number 9. Okay kids, Pikuli in the day care. Okay kids, brother and sister birds are off to school. Brother and sister bird क्या है? School चले जाते हैं. They happily say bye and fly away. वो happily bye करते हैं और उड़ जाते हैं. Father and mother bird have to go find worms and tell Pikuli that he will have to spend the day at mother grows house. वो क्या कहते हैं? Father और mother Pikuli father और mother को क्या है? कीड़े ढूंढने के लिए बाहर जाना होता है और वो Pikuli को कहते हैं कि आपको आज का दिन mother grows के घर बिताना पड़ेगा. Pikuli does not like the idea of his parents leaving him and going off. Pikuli को क्या है? अपने parents का idea बिल्कुल पसंद नहीं आता. वो क्या है? Going off यानी कि leaving him उनको छोड़ के going off बाहर चला जाता है. When father bird drops Pikuli at mother's gross house. जब father bird क्या है? Pikuli को mother gross के घर पे drop करने जाते हैं. He is not happy. वो खुश नहीं होता. He is upset to see father bird fly away. वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है father और mother को उड़ते हुए देख के. Pikuli does not feel like eating when mother gross serves them corn. Mother gross क्या है? उन्हें मकईन देती है और Pikuli को वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे. When they go outdoor he does not feel like playing. तो जब वो बाहर जाते हैं तब भी Pikuli को क्या है? खेलना पसंद नहीं आ रहा. Pikuli खेलना नहीं चाहता. He cannot concentrate on anything because he is constantly thinking of his parents. वो बिल्कुल भी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहा क्योंकि उसका पूरा का पूरा ध्यान अपने parents पे है. He is missing them terribly. वो क्या है? बहुत बहुत बुरी तरह अपने parents को क्या है miss कर रहा है. At nap time रात के time में क्या होता है? mother Gross reads a lovely story to the chicks and the Pikuli. Mother Gross क्या करती है? Story सुनाती है अपने चूजों को और Pikuli को. The chicks fall asleep half away through the story. जो उसके चूजे होते हैं वो क्या है? आधी story सुन के ही सो जाते हैं. But not Pikuli. Pikuli नहीं सोता. He listens happily till the end. Mother Gross then pets Pikuli to sleep. वो क्या है? एंड तक स्टोरी सुनता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है. मदर ग्रोस क्या करती है? उसको थपथपाती है और फिर सुलाने की कोशिश करती है. Pikuli wakes up in the good mood. Pikuli सुबह उठता है तो वो बहुत अच्छे मूड से Pikuli जब उठता है तो वो बहुत अच्छे मूड से उठता है. ओके दिस they sit around the table since it is a snack time. तो अब क्या है? शाम का time हो चुका है. फिर वो क्या करते हैं? snacks का time हो जाता है. वो क्या करते हैं? snacks खाते हैं table के around बैठ के. Pikuli makes a heart of the nuts and grains. Pikuli क्या करता है? nut से और grain से एक heart shape बनाता है. Mother Gross has given him. जो Mother Gross उसे देती है ना nuts और grains, उससे वो क्या करता है? बहुत सुंदर heart की shape बनाता है. Pikuli is now enjoying himself with the Gross family. अब Pikuli क्या है? Gross की family के साथ बहुत ज़्यादा enjoy feel कर रहा है. Enjoy कर रहा है वो. When father and mother bird come to take Pikuli home, जब father और mother bird क्या है? Pikuli को ले जाने के लिए आते हैं घर. They see him having a good time. तो वो क्या है? उसको एक good time की तरह देखते हैं. Pikuli says bye to the chick and the mother bird give him a kiss. Pikuli क्या है? mother bird और चिक्स को बाय करते हैं और मदर बर्ड्स गिव हिम अ किस और मदर बर्ड क्या है उसे एक किस भी देते हैं. ही इज़ हैप्पी टू
टू हैव स्पेंट द डे विद दैम, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है उनके साथ दिन बिता के। इट हैज़ बीन अ फन डे, ये क्या है उसका मस्ती का दिन होता है। ओके किड्स, इसमें क्या है कि पिकुली की मदर और फादर क्या है बाहर चले जाते हैं खाने की वो कुछ कीड़ों की तलाश में, और उसके ब्रदर और सिस्टर क्या है स्कूल चले जाते हैं। वो पिकुली को क्या करते हैं, मदर ग्रॉस के घर पे छोड़ देते हैं। पर पिकुली क्या है उसके घर पे जाके पहले खुश नहीं होता, जब उसके माँ बाप उसको छोड़ के जाते हैं तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता, वो अपसेट हो जाता है। बाद में क्या होता है, वो अपने माँ बाप के बारे में सोचने लग जाता है, वो कुछ खाता पीता नहीं है ना ही खेलता है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है, मदर ग्रोस क्या है सुलाने के लिए ना चिक्स को और पिकुली को एक स्टोरी सुनाती है, तो पिकुली को वो स्टोरी बहुत अच्छी लगती है। पिकुली क्या है एंड तक उस स्टोरी को सुनता है और इंजॉय करता है। ओके, और मदर ग्रोस क्या करती है उसको थपथपाकर सुलाती है। तो जब पिकुली उठता है सोकर तो वो बहुत हैप्पी मूड से उठता है। ओके किड्स, और वो क्या है बहुत, फिर जो नट्स और ग्रेन्स होते हैं उसका क्या बनाता है, एक हर्ट बनाता है। तो ऐसे फिर उसके बाद में उसके पेरेंट्स आकर उसे ले जाते हैं घर पर वापस। तो ऐसे पिकुली का दिन जो होता है वो बहुत मस्ती भरा जाता है। ओके किड्स, आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब इसके बाद में हम मूवी देखेंगे, उससे आपको और भी अच्छे से स्टोरी समझ में आ जाएगी। ओके किड्स, सो लेट्स सी द मूवी। In the daycare. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Mama, papa, leave, papa, papa, papa. Piccoli, papa, papa, papa. Ba 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 ba
बाद हम इसकी वर्कशीट करेंगे हाउ डज पिकुली स्पेंड द डे विद विद कलर द पाथ। पिकुली ने कैसे दिन स्पेंड किया था, अब ये है वुड पेकर, अब वुड पेकर के साथ तो उसने दिन स्पेंड किया नहीं था और ये ओल्ड मैन के साथ भी नहीं किया था दिन स्पेंड। उसने किसके साथ दिन स्पेंड किया है, अपना मदर ग्रोस और उसकी चीक्स के साथ, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस पाथ पे कलर करेंगे। ओके, आप कोई भी कलर कर सकते हो। हमने क्या करना है, इस पाथ पे कलर करना है क्योंकि उसने अपना डे कहाँ पर स्पेंड किया था, मदर ग्रोस और उसकी चीक्स के साथ, है ना। तो हम इस पर क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। देखो, हम इस पाथ में कलर फिल करेंगे। आप कोई भी कलर फिल कर सकते हो। हमने इस पाथ पे कलर ऐसे फिल करना है। ओके किड्स, इस पाथ पे। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे देखो, कलर द फेस दैट शोज हाउ पिकुली फेल्ट व्हेन। अब ये देखो, पिकुली कैसा फेल्ट कर रहा है जब उसके फादर और मदर उसको छोड़कर जा रहे हैं मदर ग्रोस के घर। वो क्या है, सैड था ना, हैप्पी तो नहीं था, सैड था। तो हम सैड वाले में कलर फिल कर देंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पिक्चर में देखिए वो क्या कर रहा है। देखो, अब उसे अपने मम्मा पापा की याद आ रही है ना। उसका ध्यान खेलने में नहीं है, वो किसको मिस कर रहा है, अपने फादर और मदर को। तो यहाँ पर भी वो क्या है बेटा, सैड फील कर रहा है ना। तो हम सैड वाले में कलर फील कर देंगे। ओके किड्स, हमने ऐसे क्या करना है, कलर को फील कर देना है क्योंकि इस पिक्चर में भी पिकुली क्या हो रहा है बेटा, सैड हो रहा है क्योंकि वो अपने मॉम डैड को मिस कर रहा है। ओके किड्स, अब नेक्स्ट पिक्चर में देखो, अब वो क्या कर रहा है, सो रहा है ना। अब स्टोरी सुन के जब वो सोया तो वो क्या खुश हो के सोया था ना,
स्टोरी सुनी उसने, फिर वो खुश हो गया है ना, तो हैप्पी वाले में हम कलर फिल कर देंगे। ओके, स्टोरी सुन के वो क्या हो गया था, हैप्पी, और हैप्पी हो के वो क्या सो गया है ना। अब देखिए नेक्स्ट पिक्चर में क्या है, इसमें भी वो हैप्पी है। देखो उसने क्या करा था, ग्रेन से और नट्स से क्या बनाया था, हार्ट बनाया था है ना, तो इसमें भी वो क्या है, हैप्पी फील कर रहा है अपने आप को है ना, तो हम इसमें भी कलर फिल कर देंगे हैप्पी वाले में। ओके किड्स, देखो हमने हैप्पी फेस में कलर फिल कर दिया। ओके किड्स, लास्ट क्या है, जब उसके फादर और मदर उसको लेने आते हैं तब वो क्या हैप्पी होके मिलता है ना उनसे है ना, हैप्पी होके बाय बाय करता है सबको और हग करता है ना, तो अब भी वो हैप्पी है, तो हम क्या करेंगे, हैप्पी वाले फेस में कलर करेंगे। ओके बेटा, ओके किड्स, अब नेक्स्ट फेज देखो बेटा, नेक्स्ट फेज में क्या है, व्हाट डू यू लाइक टू टेक विद यू वैन यू गो टू स्कूल और डे केयर, आप डे केयर पे जाओगे या स्कूल में जाओगे तो आप अपने साथ क्या लेके जाना पसंद करोगे, टिक योर आंसर और ड्रॉ। अब देखो अगर मैं स्कूल में जाऊंगी तो मैं क्या लेके जाऊंगी, स्टोरी बुक, या डे केयर में भी मैं स्टोरी बुक लेके जा सकती हूँ। ओके, और मैं क्या लेके जाऊंगी, स्कूल जाऊंगी तो मैं फ्रूट्स और खाना भी लेके जाऊंगी है ना, तो आप कोई भी जो कुछ आप लेके जाना चाहते हो उस पर आप टिक करोगे, देन आपने यहाँ पर कोई भी पिक्चर ड्रॉ करनी है। जैसे आप टैडी बियर साथ लेके जा रहे हो तो आप टैडी बियर की पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ करोगे, देन उसमें कलर करोगे, या बुक लेके जा रहे हो तो बुक, कोई भी आप फ्रूट्स या फिर कोई भी केक वगैरह कुछ भी लेके जाना चाहते हो तो यहाँ पर आप उसकी पिक्चर ड्रॉ करोगे। ओके, मान लो मैं लेके जाना चाहती हूँ पिज़्ज़ा तो स्कूल में अपने, तो मैं ऐसे पिज़्ज़ा की ड्रॉ करूँगी, स्लैंटिंग लाइन लाइक दिस, स्लैंटिंग लाइन लाइक दिस, देन मेक अ कर्व लाइक दिस। ओके किड्स, अब मैं ऐसे ऐसे इस पर वेजिटेबल्स बना दूंगी, कोन बना दूंगी। ओके किड्स, अब हम इसमें आप अपनी चॉइस का कलर फिल कर सकते हो, जैसे मैंने पिज़्ज़ा में स्किन कलर बेस कर रही हूँ मैं, फिर मैं इन कोर्स में आपको ये मान लो कोन पिज़्ज़ा है तो आप इसमें येलो कलर के कोन फिल कर सकते हो। ओके किड्स, आप ऐसे कोई भी पिक्चर अपनी पसंद की ड्रॉ कर सकते हो। ओके किड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।